इस वक्त हम आ चुके हैं आलू की चाट खाने के लिए, जो कि आगरा की काफ़ी फेमस है। मैं ढूंढते ढूंढते इन भैया को आई हूँ, क्योंकि कभी कभी इनकी स्टॉल नहीं लगी होती है, लेकिन अभी लगी हुई है। और चलते हैं, आलू की चाट ट्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं। भैया कितने की दी है? 30 रुपये की। और फ्रूट वाली, आलू वाली दोनों एक ही? आलू वाली एक चाट बना दीजिए। मसाला हल्का रखिएगा, चटनी अच्छे से डाल दीजिएगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, फिलहाल हमारी आलू की चाट बन करके तैयार हो रही है। आलू काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है। इसको बॉईल करके आलू को डीप फ्राई किया जाता है, तो ये एकदम क्रिस्पी हो जाता है। तो अभी हमारी आलू की चाट तैयार हो रही है, और देखते हैं भैया क्या क्या मिला रहे हैं इसके अंदर। देखने में तो काफ़ी प्यारी लग रही है, पिंक पिंक कलर हो रहा है इसका। अभी इसमें भैया ने डाल दिया है नमक, और कुछ मसाला डाला है इसमें, और अभी डालने वाले हैं भैया इसके अंदर नींबू, ताकि इसके अंदर एक खट्टापन आ जाए थोड़ा सा। और ये गया इसके अंदर नींबू, और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया गया है। और ये आ गई इसके अंदर चटनी, जो कि धनिया वगैरह की बनी हुई है, और बन करके तैयार हो गई हमारी आलू की चाट। देखने में काफ़ी प्यारी लग रही है, मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए अभी जल्दी से ट्राई करते हैं और खा करके बताते हैं आपको कैसी लग रही है ये। अभी एक बाइट और खा लूँ, फिर बताती हूँ मैं इसका टेस्ट कैसा है। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी है। इसमें जो चटनी है ना, खट्टा सा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ रहा है। अगर आप आगरा आते हैं तो जरूर ट्राई कीजिएगा यहाँ की आलू की चाट। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ आते हैं तो डोमिनोज एंड पिज्जा हट जो है बिल्कुल उसके बगल में, उसके पास में ही। देवी सिंह चाट भंडार के नाम से इनकी स्टॉल लगता है, बिग बाजार के पास में ही पड़ेगा। अगर आप कभी यहाँ पर आते हैं तो जरूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा है। तो अभी जल्दी से हम अपनी आलू की चाट फिनिश करते हैं, उसके बाद चलते हैं, पास में मॉल है, वहाँ पर कुछ शॉपिंग करनी है थोड़ी सी। चलते हैं, मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो रखा है। तो चलिए अभी चलते हैं हम शॉपिंग करने के लिए। और मौसम जो है वो काफ़ी खूबसूरत हो रखा है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है मौसम। तो चलिए, तो अभी अपनी शॉपिंग हो चुकी है। दो विंटर वेकेशन के पर्पज़ से कपड़े ख़रीदे हैं मैंने, और थोड़ा सा एटीएम कार्ड में प्रॉब्लम हो रही थी पेमेंट होने में। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बेकार लगती है, वो ये जब आप इतनी सारी शॉपिंग करते हो और एक कैरी बैग के भी आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। आपको क्या लगता है, ये चीज़ सही है? मुझे लगता है ये बहुत गलत है कि आपसे कैरी बैग के भी चार्ज ले लिए जाते हैं। इससे अच्छा तो कि आप नॉर्मल मार्केट से शॉपिंग कर रहे हो, एटलीस्ट आपको कैरी बैग तो देते हैं वो लोग। यहाँ पर मॉल में आपसे ऑलरेडी इतना ज़्यादा आपसे पैसा लेते हैं, उसके बाद भी कैरी बैग के भी आपसे पैसे ले लिए जाते हैं। मैं तो इस बात की हमेशा कंप्लेन करती हूँ, और फाइनली विजय आ चुके हैं, कुछ काम से गए हुए थे, मैं शॉपिंग कर रही थी, वो अपना काम कर रहे थे, और साथ में हैं राहुल भाई। चले, गाड़ी कहाँ है? तो अभी अपने चलने का टाइम आ चुका है, शॉपिंग हो चुकी है, वीडियो ब्लॉग बन चुका है। विजय को लग रहा है मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ,
लेकिन एक्चुअल में मैं वीडियो बना रही थी, मॉल खूबसूरत लग रहा था। और फिलहाल तो मुझे यहाँ से आ रही है क्योंकि मैं राहुल भैया को वीडियो बना रही हूँ और वो इस वक्त हमारा ही वीडियो बना रहे हैं और काफ़ी खुश हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम काफ़ी हो चुका है और हमें अभी वापस कासगंज के लिए निकलना है जो कि दूर है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।